सो गाइस माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस पे क्या चीज़ वो गिरा है। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, पहले हमें ये सीन देखने को मिलता है कि स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में और प्रोमो कट करते हैं, और गाइस प्रोमो में वो जवाब देते हैं कि इससे पहले जब सेथ रॉलिंस के आने से पहले स्मैकडाउन के रिंग में एज जो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका रिप्लाई देते हैं। और गाइस अचानक से हमें ये देखने को मिलता है कि केन का जैसे थीम सॉन्ग बजता है ना, रैंपेज के एरिया में पूरा रेड रेड हो जाता है। तो गाइस मुझे लग रहा था कि चलो फिंड आ चुके हैं, ठीक है, तो लग रहा था कि फिंड आ चुके हैं, लेकिन भाई फिर ऐसा देखने को मिलता है कि डिस्प्ले बोर्ड के एरिया से आते हैं और एज मतलब हंसने लगते हैं कि तुमको पता चलेगा समर स्लैम में क्या होने वाला है। और उसके बाद गाइस रेड मतलब कुछ रेड टाइप से ऊपर से गिरता है और सेथ रॉलिंस भाई वाइट वाइट कोट पहन के आए थे और पूरा जो उनका वाइट कोट था यार रेड में बदल जाता है। और मुझे लग रहा था ना कि रिंग में कोई भालू बैठा है, और जब सेथ रॉलिंस उठने का कोशिश कर रहे थे ना तो वो गिर जा रहे थे। मतलब कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया था आज के स्मैकडाउन में। तो भाई आज के स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस पे कुछ इस प्रकार से माइंड गेम खेला है एज ने। तो देखते हैं गाइस कि समर स्लैम में क्या होता है। तो गाइस कुछ भी कहना मुश्किल है। तो गाइस फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स। All you need to do.